ईमानदार है। कसम खाओ ईमानदार है। हम कसम नहीं खाते लेकिन ईमानदार है। हम तुमको बिरयानी देगा, हम वोट देगा, ये मोटरसाइकिल दे इमरान खान इनके लिए बिल्कुल। कि बिठल जिंदाबाद, कि बिठल का जिंदाबाद। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आवाम के बीच में है। अरे पाकिस्तान भर लिया था उन्होंने। किसने? अलवा ऐसा 500,000 रुपए दिहाड़ी में भरा था। हर एमपी एमएनए को टारगेट दिया गया था, अगर आपने 1,000 से बंदा ऊपर टिकट खारिज है, उन अपने 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 जाके ना हलके में कक्ष में उठा के कहा जी हम आपकी गलियां बनाएंगे, हमारे साथ चलो, पहले बिरयानी खिलाई। ओंडा मोटरसाइकिल वाले थे, ओंडा मोटरसाइकिल देगा तुम आ जाओ अभी में जन्नत के। इसको शर्म आनी चाहिए, हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे आवाम को शर्म आनी चाहिए इनको मुंतखब करने का। जो भी हो गया इमरान खान ने बोले, जो मीनार पाकिस्तान में गया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे मुसलमान मुल्कों पे क्या हो रहा है? कभी इसको बोला बयान दे, कभी इसको बोला बयान दे। ये जो जन्नत की टिकट का कहते हैं ना, ये जन्नत की टिकट नहीं मिलेगी, जन्नत मिर्जा मिलेगी इनको। हाँ जी शेर, क्यों शेर को वोट देंगे? पहले इनकी बात सुननी है फिर हम बात। ठीक है, क्यों ठीक? अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। मुल्क अच्छा ही बताओ, मुल्क का बेड़ा गर्क के मुल्क सही करेगा, बिल्कुल सही करेगा। उसके बाद नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए। नकवी को वजीर आजम होना चाहिए पाकिस्तान का, सब पार्टियों को छोड़ के, और मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाहिए। बहुत खुश करेगा, एक बार वजीर आजम बना तो दो उसको। किसका चेला है? किसका भी हो लेकिन ग्रेट आदमी है नकवी। एक मिनट बाबा जी बुजुर्ग मुझे एक मिनट तुम कसम खाओ, बात सुनो, एक बात, तुम कसम खाओ कलिमा खा के कि नवाज शरीफ ईमानदार है, कलमा इतना बिल्कुल ईमानदार है। तुम कसम खाओ ईमानदार है? हम कसम नहीं खाते लेकिन ईमानदार है। जब भी कहो सिर्फ जिंदाबाद शेर एक बारी। आप कसम खाते हैं इमरान खान ईमानदार है? कसम में खाता हूँ खुदा की कसम, इमरान खान ईमानदार है। कसम खाते हैं इमरान खान लीडर, एक केस लाओ गर्दन कटा देगा, एक केस लाओ।